हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, तो आज हम अपने अगले लेक्चर के साथ यहाँ पर आए हैं, जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के साथ हम जो है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बट पहले हम डिस्कशन करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। अब रेस्पिरेशन हम दोनों में डिस्कस करेंगे, प्लांट एज वेल एज एनिमल। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे पर्टिकुलरली सेलुलर रेस्पिरेशन की, विच इज़ कॉमन टू बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट। ठीक है, मतलब हर एक इंडिविजुअल सेल जो होता है बच्चे, वो क्या करता है? रिस्पायर करता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन को समझा कैसे जाए? रेस्पिरेशन को ऐसे समझा जाए कि हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हर एक सेल को ऑक्सीजन की क्या होती है? ज़रूरत होती है रिस्पायर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो अल्टीमेट एनर्जी सोर्स होता है सेल्स के लिए, वो होता है क्या? एटीपी। क्या होता है? एटीपी। हम जो कुछ भी खा रहे हैं, प्लांट्स जो कुछ भी बना रहे हैं फूड अपना, ठीक है, वो अल्टीमेटली उसे क्या बनाना चाहते हैं? वो बनाना चाहते हैं एटीपी। और एटीपी बनाने के लिए फूड से उनको ज़रूरत पड़ती है किसकी? ऑक्सीजन की। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉमन टू बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। तो आप पूछोगे कि सर, एनिमल और प्लांट रेस्पिरेशन में फिर अंतर क्या है? अंतर आप ही खुद बता सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स। ठीक है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। और लंग्स की मदद से हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली ब्रीथ कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो लंग्स की मदद से अकोमोडेट हो जाता है। तो लंग्स का मेन फंक्शन है कि ऑक्सीजन अंदर लेके जाए। बट लंग्स जैसी कोई चीज़ प्लांट्स में तो होती नहीं है। तो आप क्या, आपको क्या लगता है कि प्लांट्स रिस्पायर नहीं करते? प्लांट भी रिस्पायर करते हैं, उनके इंडिविजुअल सेल्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो वो कहाँ से फैसिलिटेट होता है उनके लिए? वो हम देखते हैं कि थ्रू आउट देयर बॉडी। ठीक है, एपिडर्मल लेयर से वो क्या कर रहे होते हैं? क्योंकि दे आर ऑल टाइम एक्सपोज्ड, बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है उनका एपिडर्मल लेयर। और वो एपिडर्मल लेयर क्या कर सकता है? ऑक्सीजन बाहर से एसिमिलेट कर सकता है अपने अंदर। तो उनको किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत एज सच नहीं होती है। समझ में आ रही मेरी बात? फोटोसिंथेसिस के रेफरेंस में अगर आप समझे, तो फोटोसिंथेसिस से क्या बना था? CO2 प्लस H2 हमको ग्लूकोज और क्या दिया था उसने? ऑक्सीजन दिया था। अब मेन मोटिव क्या रहेगा? रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का ठीक अपोजिट है, ये मैंने आपको हमेशा बोला है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो भी रिएक्शन होता है, अगर आप उसको अपोजिट कर देंगे तो आपको मिलेगा रेस्पिरेशन। तो जो ग्लूकोज बना बच्चे फोटोसिंथेसिस से, उसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करूँगा, क्या करूँगा? उसका ऑक्सीडेशन करूँगा, उसको एक सेट ऑफ रिएक्शंस में डालूंगा, तो अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि हमको लास्ट में मिलता है एटीपी। अब अगर आप उसका क्या बोल रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं, ठीक है, एक जनरल टर्म है जो हम केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन के लिए ऑब्वियसली कंबशन की तो ज़रूरत पड़ती ही है, मतलब ऑक्सीजन, अगर हम कंबशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की तो ज़रूरत पड़ती ही है हमको। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से जो ग्लूकोज बना था, अगर उसका कंबशन करना है तो ऑक्सीजन से उसको कंबाइन करना पड़ेगा। उसी लिए हमारे वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वही इंपॉर्टेंट रोल है कि ग्लूकोज जो बना है उसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, उसको बर्न कराएंगे और अल्टीमेटली उससे एटीपी बनाएंगे। यही कहानी है रेस्पिरेशन की। और चाहे वो प्लांट का सेल हो, चाहे वो एनिमल का सेल हो, सारे सेल्स जो होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है, ग्लूकोज या दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करते हैं? कंबशन करते हैं और एटीपी बनाते हैं, फ्यूल बनाते हैं अपने लिए, सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, एनर्जी का ये रिच सोर्स होता है एटीपी। यही कहानी है रेस्पिरेशन की। प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो है वो अल्टीमेटली सेलुलर रेस्पिरेशन जैसा होता है, वैसा ही सेलुलर रेस्पिरेशन एनिमल के सेल्स में भी होता है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि एनिमल्स के पास क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, और प्लांट्स को उनकी ज़रूरत नहीं होती, तो उनके पास ऐसे कोई ऑर्गन नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी जो मैं ये डिस्कस करने वाला, जिसके आप टाइटल देख रहे हैं यहाँ पर, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन लिखा हुआ है बच्चे, इट इज कॉमन टू बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट्स। तो अब ये मत सोचना कि हेडिंग मैंने डाल दिया प्लांट्स तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही सेम वे में एनिमल के केस में भी होता है। ठीक है, सेम रिएक्शंस होते हैं, सेम सेट ऑफ रिएक्शंस चलते हैं। ठीक है, क्लियर है। और जब हम एनिमल रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो सेलुलर रेस्पिरेशन दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे फोकस करेंगे, लंग्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म और मेटाबोलिज्म। बहुत ही कॉमन टर्म है, आपको बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी जगहों पे जब आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली मेटाबोलिज्म होता क्या है, इसको इस तरीके से समझिए कि आपकी बॉडी में हर एक पॉइंट पे, हर जगह पे कोई ना कोई बायोकेमिकल रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है। इनफैक्ट योर होल लाइफ इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेटेड रिएक्शंस।
कोऑर्डिनेटेड रिएक्शंस की वजह से पूरा हमारा एग्जिस्टेंस है, ये समझ लीजिए हर एक पॉइंट पे रिएक्शन चल रहा है। वो जो रिएक्शन होता है बच्चे उसको अपन कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं उसको अपन? मेटाबॉलिज्म, वी कॉल इट मेटाबॉलिज्म, है ना। मेटाबॉलिज्म देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अलाउज एन ऑर्गेनिज्म टू लीव, ग्रो, रिप्रोड्यूस, हील एंड अडॉप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे ग्रो करेगा? ठीक है, ग्रो ऐसे करेगा, कुछ सेट ऑफ रिएक्शंस चलते जाएंगे। रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? रिप्रोड्यूस करने के लिए गैमेट उसको प्रोड्यूस करना जरूरी है, तो गैमेट्स के लिए भी सेट ऑफ रिएक्शंस चलेंगे, कुछ ना कुछ हार्मोन्स के लेवल्स एलिवेटेड होंगे, फिर वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन होगा एंड ऑल दैट। ठीक है, वो बाकी कहानी हम जानते हैं, आगे पढ़ेंगे भी। हील करना, ठीक है, अडॉप्ट करना, तो ये सारे क्या है? एक सेट ऑफ रिएक्शंस से अंदर चलते हैं। इन सारे सेट ऑफ रिएक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर दो टर्म आते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, जिनको याद रखना बहुत ही सिंपल है। किस तरह से सिंपल है? कि एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बच्चे बिल्डिंग अप ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को एसिमिलेट करके बनाना, कंबाइन करके बनाना। ठीक है, जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, C+O2 CO2 आपने बना दिया, तो किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो अगर आप कोई बायोमोलिक्यूल बायोलॉजी में बना रहे हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं अमीनो एसिड से, ठीक है, पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं मोनोसेकेराइड से, ठीक है, तो वो कहलाता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? जो भी आपने एनाबॉलिज्म में बनाया उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अरे बहुत ही सिंपल है, देखो इस तरीके से समझो, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ने क्या बनाया भाई? ग्लूकोज बनाया। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में वो क्या कर रहे हैं? उस ग्लूकोज को अब क्या कर रहे हैं? उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और उससे क्या बना रहे हैं? ATP बना रहे हैं। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। ठीक है, तो ग्लूकोज का बनाना इज एनाबॉलिज्म, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इज कैटाबॉलिज्म। समझ में आई मेरी बात? दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एनाबॉलिज्म होता है या सिर्फ कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी बन रहा है उसका ब्रेकडाउन होना भी तो जरूरी है, जरूरत के हिसाब से। ठीक है, सो वी यूज दिस टर्म विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द टू, दैट इज एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, विच इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। अब क्लियर है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जो 11th 12th के भी जो स्टूडेंट्स होते हैं या इवन जो कॉलेज तक पहुंच जाते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, जब उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए एग्जैक्टली मेटाबॉलिज्म है क्या, बहुत ही जर्नल टर्म है, क्योंकि नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट्स जो परस्यू नहीं भी करने वाले वो भी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं, बहुत ही जर्नल क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। तो मेटाबॉलिज्म ऐसे सेट ऑफ रिएक्शंस है जो आपकी लाइफ सस्टेन करते हैं भाई। अब वो मेटाबॉलिज्म में किसी चीज़ का ब्रेकडाउन भी हो सकता है या किसी चीज़ को सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। अब क्लियर है, बस इतना याद रखिए मेटाबॉलिज्म की कहानी के बारे में, और कोई बुक कोई कहाँ से आपको क्या बोलता है कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम चालू करेंगे रेस्पिरेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन विच इज कॉमन टू बोथ प्लांट एंड एनिमल। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स आते हैं बच्चे, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उसका सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम क्या जानते हैं? देखो, ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा स्टेप है, ठीक है, जो कि कॉमन होता है एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए। क्या बोला मैंने? ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा स्टेप है जो कि कॉमन है बोथ एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि अगर रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस तक हो गया है, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। देखो, अल्टीमेटली चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, वो जो ग्लूकोज बना होता है रेस्पिरेशन में उसी का ब्रेकडाउन करते हैं हम लोग, और ATP बनाने के लिए काम आगे चालू करते हैं, वही रेस्पिरेशन की कहानी है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो कि पहला स्टेप माना जाता है रेस्पिरेशन का, अगर यहाँ तक आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया किसी सेल का, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि वो एरोबिक है या एनारोबिक, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में बच्चे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इसको याद रखना है आपको, ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ओके, आगे ग्लाइकोलाइसिस के आगे का जो स्टेप होगा उसमें हम बता पाएंगे कि रेस्पिरेशन जो होने वाला है वो एरोबिक होने वाला है या एनारोबिक होने वाला है। अच्छा, इससे पहले जो हम लोगों ने अभी टॉपिक डिस्कस किया एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उसमें मैंने आपको जैसे समझाया आप वैसे तो समझ गए होंगे, बट फिर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, जैसे ये क्वेश्चन आता है इस वजह से मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, कि एनाबॉलिज्म यूजुअली बच्चे क्या होता है, इट रिक्वायर्स एनर्जी। एनाबॉलिज्म की प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मतलब हमको जो कंपाउंड है बायोमोलिक्यूल है जो उसको सिंथेसाइज करना जब कभी भी होता है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली जब कभी भी किसी बायोमोलिक्यूल का हमको ब्रेकडाउन करना होता है, ठीक है, मतलब कैटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है तो उसमें एनर्जी जो है वो हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे कि अभी अपन क्या कर रहे हैं, अगर मैं रेस्पिरेशन को सिंपल भाषा में आपसे कहूँ तो क्या बोलूँगा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर ATP बनाया जा रहा है, तो इसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज हो रही है, ये कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है।
ठीक है। हालांकि आप आगे पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन कम्प्लीटली कैटाबोलिक प्रोसेस नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ सारी चीज़ें जो है सिंथेसाइज भी होती हैं, तो वो दोनों का इंटरमीडिएट है, मतलब एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। बट इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही, तो आप ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। कौन सा पॉइंट, कि एनाबोलिज्म में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और कैटाबोलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम क्या लिखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोलाइसिस कंसिस्ट ऑफ एन एनर्जी रिक्वायरिंग फेज फॉलोड बाय एन एनर्जी रिलीजिंग फेज, ठीक है। सो हमारी बात यहाँ पे क्या लिखा है, देखो इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, मतलब इसमें टोटल सेट 10 रिएक्शंस आते हैं, इसको लिख लो जरा, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में कितने रिएक्शंस होते हैं बच्चे, 10 रिएक्शन होते हैं, टोटल 10 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, टोटल 10 रिएक्शन होते हैं। तो इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है, यही तो रेस्पिरेशन का मेन मोटिव है, बाय स्प्लिटिंग इट इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरूवेट, ये नाम याद रखना पड़ेगा आपको। ग्लाइकोलाइसिस डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन एंड मैनी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हैव दिस पाथवे, जो कि मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता रहा था, है ना, तो ये आपको मालूम है, ठीक है। ओके, ग्लाइकोलाइसिस इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज बाय स्प्लिटिंग इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स लाइक पायरूवेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चे। ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस, ओके। हाउएवर ग्लाइकोलाइसिस डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन एंड मैनी एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट यूज ऑक्सीजन ऑल्सो हैव दिस पाथवे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। 10 स्टेप्स होते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये सारी चीजें। एक और पॉइंट जो आप इसमें ऐड करेंगे वो ये कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में। ये सारे पॉइंट लिखते जाइए, जितने भी पॉइंट मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बता रहा हूँ, 10 रिएक्शन, साइटोप्लाज्म, नो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ठीक है। और एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अपने को ग्लूकोज से क्या मिल रहा है, पायरूवेट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पायरूवेट मिल रहा है, ग्लूकोज से वी गेट पायरूवेट, समझ में आ रही ना मेरी बात, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट मिलते हैं, क्या मिलते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट्स, ठीक है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, वी हैव टोटल 10 सेट्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और अल्टीमेटली हमको मिलता है एंड में पायरूवेट। अब वो 10 रिएक्शन जो होते हैं बच्चे फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जैसे NTSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दूसरे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, ठीक है। विज्ञान पहली में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन NTSC में श्योर शॉट ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ और रियलिटी बता देता हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस या रेस्पिरेशन एज अ होल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस के कंपैरिजन में, या न्यूट्रिशन जो हमने पढ़ा है, ठीक है, प्लांट न्यूट्रिशन जो पढ़ा है, एनिमल न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहा, प्लांट न्यूट्रिशन में जो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेलुलर रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा जो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ उसके बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, एरोबिक रेस्पिरेशन की जब मैं बात करूँ, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हों जिसको आप एज इट इज़ लिखेंगे। इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, जो कि हम सभी जानते, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है, यहाँ पर मुझे जो है क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मुझे यहाँ पर ऑप्टेन होती है। कम्प्लीट्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन किस में कम्प्लीट होता है, क्योंकि हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो सेल के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। कम्प्लीट्स इन साइटोप्लाज्म, जो कि ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा था, इसके आगे की प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। और साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, टोटल कितने ATP बनते हैं, 38 ATP। अब आप पूछेंगे सर ये नंबर कैसे याद करूं, मतलब कहां से 38 ATP आया, तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला आपको, ग्लाइकोलाइसिस में एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट मिल रहे थे, ठीक है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट मिल रहे थे। अब वही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट इन दी एंड, क्योंकि एंड क्या चाहिए अपने को, ATP बनाना है ना ग्लूकोज से, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितने टोटल ATP देंगे, 38 ATP देंगे। इसको रट डालो, ये पूछा गया एग्जाम में कितने ATP आता है। इनफैक्ट ये बहुत ही आसान सवाल लगता है, क्योंकि आपको सिर्फ नंबर याद रखने हैं, ठीक है, कि भाई एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 पायरूवेट बने, और 2 पायरूवेट आगे चल करके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके 38 ATP बना रहे हैं, ठीक है। ये नीट में भी पूछा गया, ठीक है, बट नीट आपका फोकस नहीं, अभी तो आपको NTSC और NSEGS जैसे एग्जाम्स पे फोकस करना है, ठीक है, आपका जो नॉलेज है बायोलॉजी के लेकर के उसको शार्प करना है। तो बहुत आसान सवाल है, बट ये पूछा जाता है,
ठीक है, 38 ATP, इसको आप जरूर लिखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन वाले पॉइंट में। बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो आप बोलोगे कि सर एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर बनना क्या चाहिए था, ATP बनना चाहिए था, या यूँ कहूँ कि CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बननी चाहिए थी। कायदा तो यही कहता है एरोबिक मतलब रेस्पिरेशन हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और अपने को CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिलती है। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर अगर ऑक्सीजन की अवेबिलिटी नहीं है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बाद ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो हम देखते हैं कि पाथवे कौन सा चल जाता है फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन। बच्चे अगर आप कंपेयर करो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन को, तो आप देखोगे कि ज़्यादा इफेक्टिव एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या इन जनरल में बात करूँ कोई भी सेल है, तो वो हमेशा चाहेगा कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करे। एनारोबिक रेस्पिरेशन यूजुअली अनअवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के चलते होता है या फिर स्ट्रेसफुल कंडीशंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन में सेल जो है वो जाता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि सबका जितना भी अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट का उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। लैक्टिक एसिड के अलावा आप देखेंगे आगे चल के कि अल्कोहल भी प्रोड्यूस होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, अभी अपन एक पूरा साइड बाय साइड कंपेरिजन करेंगे नेक्स्ट, अभी मैं जब चेंज करूंगा इसको, तो आप देखेंगे कि एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन का साइड बाय साइड कंपेरिजन में करने वाला हूँ। टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ओनली, क्यों, क्योंकि देखो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो किसमें होना था, माइटोकॉन्ड्रिया में होना था। किसमें होना था, माइटोकॉन्ड्रिया में होना था। याद रखना कभी भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है भाई। ठीक है, सिमिलरली एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिला ही नहीं है, तो किसमें होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। जैसे ग्लाइकोलाइसिस हुआ था साइटोप्लाज्म में, तो ग्लाइकोलाइसिस हुआ उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन भी वहीं हो जाएगा जहां पर ग्लाइकोलाइसिस हुआ था। और देखो कितना फर्क है यहां पर, यहां पर आपको 38 ATP मिल रहा है, यहां पर आपको टोटल मात्र 2 ATP मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा इफेक्टिव है। क्लियर है, आगे बढ़े। ये देखिए, ये मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है ये कंपैरिजन, ठीक है, और इसको आप ज़रूर बनाइएगा बच्चे, अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनारोबिक में हम देख रहे हैं कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है अब यहाँ पर। ठीक है, तो जरा फर्मेंटेशन को समझा जाए, फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन इज एनारोबिक पाथवे फॉर ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज, वन दैट्स परफॉर्म बाय मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड सेल। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अपन सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन फर्मेंटेशन द ओनली एनर्जी एक्सट्रैक्शन पाथवे इज ग्लाइकोलाइसिस विद वन और टू एक्स्ट्रा रिएक्शन टैंक्ड ऑन एट द एंड। ठीक है, एंड पे कोई रिएक्शन एक दो और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, बट ग्लाइकोलाइसिस मेन रिएक्शन होता है उसमें। ठीक है, फर्मेंटेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन बिगिन द सेम वे विथ ग्लाइकोलाइसिस। इन फर्मेंटेशन हाउएवर द पाइरूवेट मेड इन ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट कंटिन्यू थ्रू ऑक्सीडेशन एंड द साइट्रिक एसिड साइकिल अबाउट विच वी विल डिस्कस लेटर नॉट इन डिटेल बट यू नो एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डज नॉट रन। मतलब आगे की कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही जो माइटोकॉन्ड्रिया में होनी चाहिए, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज इन फंक्शनल। ठीक है, वो कुछ भी फंक्शनल होता ही नहीं क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिला ना उसको। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर दो टाइप के फर्मेंटेशन होते हैं। फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रिएक्शन, पहले तो ये समझ लो। ठीक है, दो तरीके के फर्मेंटेशन होते हैं, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा होता है अल्कोहल फर्मेंटेशन। देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का मतलब क्या है कि जो पाइरूवेट ग्लाइकोलाइसिस में बना था उससे क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, एसिड कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म या सेल के लिए यूजफुल नहीं होता, ये बात तो मान के चलो। ठीक है, अब इसमें आप एग्जांपल देखिए, प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पाइरूवेट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, बैक्टीरिया मेकिंग योगर्ट। ठीक है, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं आप देखेंगे, जो कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये यूजफुल होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, जैसे कि एक ऐसे बैक्टीरिया जो क्या बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं। ठीक है, सिमिलरली RBC इन आवर बॉडी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है RBC वाला। क्यों इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि मैं शुरुआत से बोलते आया हूँ, कभी आपने मेरे लेक्चर अगर फिजिकल अटेंडेंस भी जब हमारी चल रही थी KCS में फिजिकल अटेंडेंस वाली क्लास, तो आपने देखा होगा हम ये बात जानते हैं कि RBC के पास क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, RBC के पास क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि RBC जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म नहीं करता है। RBC जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म नहीं करता है। उसमें जो रेस्पिरेशन होता है बच्चे, वो क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। ठीक है, उसके पास क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। सिमिलरली कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, अभी आप 10th के NCERT में भी ये पढ़ेंगे और ये बोर्ड में तो आना ही है, मतलब एकदम गारंटी लिख लो मेरे से,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही, एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्वेश्चन 10th बोर्ड में पूछा जाएगा 101% श्योर हूं मैं, ठीक है। और उसमें भी क्या, ये देखो ये वाला जो इसको मैं अभी यहां पर आपको मार्क कर रहा हूं आपके लिए, मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब आप कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो रेस्पिरेशन का रेट है बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि आपके सेल्स को रैपिडली ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है ना बहुत ज़्यादा, तो आप क्या कर रहे हैं, तेज़ी से सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट हम देखते हैं कि इतना करने के बावजूद भी आपके मसल के इंडिविजुअल सेल्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। अब देखते हैं जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है तो होना क्या चाहिए था, एरोबिक रेस्पिरेशन, बट हो क्या जाता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, एनोबिक रेस्पिरेशन। तो बन क्या जाता है आपके मसल्स में, लैक्टिक एसिड। हालांकि इस लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन होकर आगे इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, बट कुछ समय तक ये आपके मसल के सेल्स में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है लैक्टिक एसिड। इसी की वजह से आप देखेंगे कि आप अगर अचानक से बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या जिमिंग करते हैं तो कभी कभी आपको क्या होने लगते हैं, स्पैम्स होने लगते हैं, ठीक है, पेन होने लगता है अचानक से, ठीक है। वो क्यों होता है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको सही से अवेलेबल नहीं हो पाया है, ठीक है, क्लियर है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल फर्मेंटेशन की बात करूं तो अल्कोहल फर्मेंटेशन में जैसे यहाँ लैक्टिक एसिड बन रहा था वैसे यहाँ पर क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। सबसे बेहतरीन उदाहरण इसका ये है कि अल्कोहल फर्मेंटेशन बाय यीस्ट प्रोड्यूसेस द इथेनॉल फाउंड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं वो फर्मेंटेशन से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। ग्रेप से जैसा कि बनाया जाता है, वाइन वगैरह बनाए जाते हैं या दूसरे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही बनाया जाता है, ठीक है। तो कुछ एक सेल्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता ग्लाइकोलाइसिस के बाद तो वो लैक्टिक एसिड बना देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो लैक्टिक एसिड की जगह क्या बना देते हैं, अल्कोहल बना देते हैं। अब आप ऐसा पूछोगे कि सर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लैक्टिक एसिड बना दे रहे हैं, कुछ अल्कोहल बना दे रहे हैं, ठीक है। तो वो अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है बच्चे। हमेशा याद रखिए कि आपकी बॉडी के हर एक पॉइंट पे रिएक्शन हो रहा है, स्टार्टिंग में मैंने लेक्चर के बोला। अब हर एक रिएक्शन जो होता है बच्चे वो कोऑर्डिनेट होता है एंजाइम से। किससे कोऑर्डिनेट होता है, एंजाइम से, ठीक है। तो जिस किसी भी रिएक्शन के लिए आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में वो एंजाइम प्रेजेंट होगा, अगर उस रिएक्शन को करवाने वाला करता धरता, ठीक है, आपके शरीर में कुछ भी हो रहा है एंजाइम की वजह से हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। आपके शरीर में किसी चीज़ का सिंथेसिस हो रहा है, किसी चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है, वो हमेशा उसका कंट्रोल पॉइंट क्या रहता है, एंजाइम रहता है। एक तरीके का कैटलिस्ट है ये उस रिएक्शन को कैरी आउट कराने के लिए। तो भाई लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस कर रहे थे उनके पास लैक्टिक एसिड वाला एंजाइम था, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो उन्होंने ये बना दिया। ये वाला एंजाइम नहीं था अल्कोहल प्रोड्यूस करने वाला, इनके पास अल्कोहल प्रोड्यूस करने वाला एंजाइम है तो ये लोग अल्कोहल बना रहे, ऑक्सीजन नहीं मिला तो। क्लियर है, कहानी समझ में आई, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में वही कहानी है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पाइरूवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं ये तो सभी जानते हैं, ठीक है, बट मेन पॉइंट क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वहीं पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, है ना। पायरूवेट इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कंपाउंड, एक तरीके का कंपाउंड होता है बच्चे, एसिटाइल कंपाउंड। एसिटाइल कंपाउंड में वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आप केमिस्ट्री में कार्बोनेट कंपाउंड पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली एसिटाइल ग्रुप दिखता कैसा है, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप बच्चे ऐसा दिखता है, एक तरफ ये होगा आपका मिथाइल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ, जो जिसको अपन कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर अपना कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है। तो ये वाला जो पूरा आप देख पा रहे हैं ये CH3CO, ठीक है, CH3CO जो ग्रुप होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, एसिटाइल कंपाउंड बोलते हैं। तो होता क्या है कि जो पाइरूवेट अपने को ग्लूकोज से मिला था ग्लाइकोलाइसिस में, वो आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी एसिटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक एसिटाइल कंपाउंड में, जिसका फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया जस्ट बिकॉज कि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। यहीं पर क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ CO2 भी होता है। अब ये CO2 कहाँ से आया, अरे मैंने पहले बताया कि रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस का अपोजिट हो, तो वहाँ पर CO2 प्लस H2O से ग्लूकोज बन रहा था प्लस ऑक्सीजन बन रहा था, तो अब क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन की मदद से, तो क्या बनेगा दूसरी तरफ अपने को, क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O मिलेगा ना भी, तो CO2 जो कि पहला प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का वो अपने को वहाँ पर मिल जाता है। अब यही जो एसिटाइल कंपाउंड है बच्चे, CH3CO वाला जो कंपाउंड है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में है, अभी ये एक साइक्लिक पाथवे में जाता है, किस में जाता है, एक साइक्लिक पाथवे में जाता है, ठीक है। इस साइक्लिक पाथवे को अपन बोलते हैं TCA साइकिल, क्या बोलते हैं, TCA साइकिल। TCA साइकिल जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। TCA साइकिल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन,
और वहां पर वो सिंथेसाइज करता है एनर्जी रिच कंपाउंड। बहुत सारे एटीपी, नहीं एटीपी तो पहले बन चुका था, ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे कुछ एटीपी बनता है, क्योंकि हमने पूरे 10 रिएक्शन डिटेल में तो पढ़े नहीं है, ठीक है, बट वहाँ पे कुछ एटीपी बनता है ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, जैसे कि आपका FADH2, ठीक है, ये भी बनेगा, NADPH भी बनेगा, ठीक है, NADH सॉरी नॉट NADPH, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड जो है वहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, ATP नहीं बनता। ATP जो है वो आगे चल के बनता है, ऑल एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू ATP विद प्रोडक्शन ऑफ H2O, जो कि फाइनल प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का। पहला क्या था, CO2 जो बन गया था, ठीक है, समझ में आ रही ना बात, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा थोड़ा सा, बस इतना समझो कि एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो सबसे पहले पाइरूवेट से बना देंगे एसिटाइल कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला ये है। अब उस एसिटाइल कंपाउंड को हम देख रहे हैं कि वो एक साइक्लिक पाथवे में जाता है, साइक्लिक पाथवे का मतलब वो ऐसा चलेगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली चलेगा, जब तक कि एसिटाइल ग्रुप उस साइकिल में एंटर करता रहेगा तब तक कि वो साइकिल चलता रहेगा रिपीटेडली। हम देखेंगे कि वहाँ पर कुछ एनर्जी रिच कंपाउंड बनते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में सिर्फ ATP ही एक कोई इकलौता एनर्जी रिच कंपाउंड नहीं है, बहुत सारे दूसरे एनर्जी रिच कंपाउंड भी होते हैं, बट ATP सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो जितने भी एनर्जी रिच कंपाउंड साइक्लिक पाथवे, जिसको अपन TCA साइकिल बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल, और क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या है, क्रैब्स साइकिल, साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम से आया क्रैब्स साइकिल, ठीक है। तो इस पाथवे में हम देखते हैं कि बहुत सारे दूसरे एनर्जी रिच कंपाउंड बनते हैं, बट उनको भी अल्टीमेटली ATP पे ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि सेल को तो ATP पसंद है, सेल का फेवरेट क्या है, ATP। आप उसको FADH2 या दूसरे कोई एनर्जी रिच कंपाउंड दे दो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सबको काट मार के ATP में ही कन्वर्ट कर देगा, बस इतनी बात समझ लो, ठीक है। और जैसे ही वो ATP बना देता है सारे मॉलिक्यूल का, तो कहानी खत्म हो गई, उसी दौरान H2O भी रिलीज हो जाता है, यह खत्म हो गया आपका रेस्पिरेशन। ये पूरा जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया एरोबिक और एरोबिक अलग करके, यहीं पर पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन खत्म हो जाता है, क्लियर है, यहीं पर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड हो जाता है, विच इज कॉमन टू बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट। जितने भी टर्म्स मैंने आपको बताया, जैसे कि क्रैब साइकिल, ठीक है, और आपका एसिटाइल कंपाउंड, यहाँ पर एनरोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, उसमें क्या बनता है, कितने ATP बनते हैं, ये पहले ही मैं बता चुका है एनरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आएगा और कहीं कुछ बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला इसके अलावा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फोकस जो हम शिफ्ट करेंगे वो करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ह्यूमन के, इंटरेस्टिंग होगा, अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, रेस्पिरेशन का जो मोड होता है, जो ऑर्गेन्स होते हैं, हर एक एनिमल में अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा गिल्स से भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। सो स्पेशल वेस्क्यूलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स आर यूजुअली यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलस्क, वेयर इज वेस्क्यूलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स आर यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सो यहाँ तक तो आपको बहुत ही सिंपल चीज़ें मैंने बताई। अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेज यूज गिल्स, वेयर इज रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स, ठीक है। तो ये जो है लंग्स के, हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो लंग्स ही रहेगा, ठीक है। मैमल्स हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम अपना फोकस यहाँ से चालू करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, इट लीड्स टू अ नेसल चेंबर थ्रू द नेसल पैसेज, ठीक है, नेसल कैविटी भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, नेसल चेंबर या नेसल कैविटी। द नेसल चेंबर ओपन्स इन टू द नेसोफेरिंग्स, वो किस में ओपन होगा, अल्टीमेटली आगे जाके नेसोफेरिंग्स पे, यहाँ पर आ गया, ठीक है। बट उससे पहले एक पार्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं सिन्यूसिस, क्या बोलते हैं उसको, सिन्यूसिस, वी कॉल इट सिन्यूसिस। अब ये सिन्यूसिस क्या है, सिन्यूसिस को आप ऐसे बोल सकते हैं कि अ कैविटी विद इन अ बोन और अदर टिश्यूज, स्पेशली वन इन द बोन्स ऑफ द फेस और स्कल कनेक्टिंग विद द नेसल कैविटी, ठीक है। एक तरीके की ये क्या होती है, कैविटी होती है जो कि बोन के अंदर ही, देखिए आप जब अपना नोज जो है टच करेंगे, कार्टिलेज वाला पोर्शन नहीं, ऊपर वाला जो बोन वाला पोर्शन रहता है, जो थोड़ा बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहता है आपके स्कल से, ठीक है। तो उसमें जो कैविटी होती है बच्चे, उसको क्या बोलते हैं अपन, सिन्यूसिस बोलते हैं, ठीक है। माउथ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बकल कैविटी की बात हो रही है। देन वी टॉक अबाउट फेरिंग्स, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फेरिंग्स इज बच्चे, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स क्या होता है, एक कॉमन पैसेज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन पैसेज है, फूड भी यहीं से पास होता है, ठीक है, और एयर भी यहीं से पास होता है। इट इज एक्चुअली दिस पोर्शन फ्रॉम वेयर विच द बाइफर्केशन बिटवीन द विंड पाइप,
ठीक है, एंड द फूड पाइप टेक्स प्लेस, मतलब विंड पाइप और जो आपका दूसरा जो पोर्शन होता है उसका बाइफर्केशन होता है यहाँ पर. ऑलराइट, फेरिंग्स ओपन्स थ्रू ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया. ट्रैकिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, विंड पाइप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. तो फेरिंग्स जो है वो किसके थ्रू ओपन होगा, ग्लॉटिस के थ्रू. ग्लॉटिस याद रखना बच्चे, लैरिंग्स का पोर्शन होता है. ग्लॉटिस किसका पोर्शन है, लैरिंग्स का पोर्शन है ग्लॉटिस, ठीक है, ये ग्लॉटिस है. तो ग्लॉटिस की मदद से हम देखेंगे कि ये जो ट्रैकिया होगा लैरिंग से कनेक्टेड होगा. क्या बोला मैंने, ग्लॉटिस की मदद से ट्रैकिया लैरिंग से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, समझ में आई बात. फेरिंग्स जो है वो ट्रैकिया पे सीधा सीधा ओपन नहीं होगा, लैरिंग से होते हुए जाएगा, जो कि कहलाता है साउंड बॉक्स, ठीक है. लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनियस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स, ठीक है. ड्यूरिंग स्वेलोइंग ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस, ठीक है. ये जो वो है आपका कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है जिसको अपन एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है. तो ये जो ग्लॉटिस होता है इसको कौन कवर करता है, ग्लॉटिस को कवर करता है एपिग्लॉटिस. वो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को इसलिए कवर करता है क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन पैसेज है फेरिंग्स, जिसमें फूड भी पास होना है, एयर भी पास होना है वहीं से. तो गलती से जो फूड है, ठीक है, वो ट्रैकिया तक ना पहुँच जाए, ठीक है, क्योंकि ट्रैकिया लैरिंग से कनेक्टेड है. इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, ग्लॉटिस को कवर कर रहा होता है एपिग्लॉटिस, क्योंकि ग्लॉटिस की ही मदद से ट्रैकिया से कनेक्टेड है लैरिंग्स, जो कि कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है. इसका फंक्शन कभी कभी पूछा जा सकता है, और दो अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है कि एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है या वो किसका बना होता है, ठीक है. बट इंपॉर्टेंट है, कार्टिलेजिनियस होता है और क्या फंक्शन होता है कि फेरिंग से जो भी फूड और एयर आ रहा है वो सीधे के सीधे मिक्स होकर के ट्रैकिया में पास ना हो जाए, विंड पाइप में ना चले जाए कोई भी फूड पार्टिकल, ठीक है. ओके, अब बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जिसका नाम है डायफ्राम. डायफ्राम जो होता है डोम शेप्ड का होता है, डोम शेप्ड मतलब ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ लाइक दिस, ठीक है. अभी हम डायग्राम देखेंगे लंग्स का तो और अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा करके समझाऊंगा, ठीक है. तो डायफ्राम डोम शेप्ड मस्कुलर एंड मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स द थोरेसिक, थोरेसिक मतलब चेस्ट, एंड एब्डोमिनल मतलब पेट का पोर्शन, कैविटीज इन मैमल्स, ठीक है. इट इज़ अ प्रिंसिपल मसल ऑफ रेस्पिरेशन. प्रिंसिपल मसल ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि डायफ्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेस्पिरेशन को अचीव करने के लिए, एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन दोनों को अचीव करने के लिए ये जो डायफ्राम होता है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डायफ्राम के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा हम ट्रैकिया के बारे में आपको बताते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है. देखो ट्रैकिया जो होता है, ठीक है, सो ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिडिल थोरेसिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है, वर्टिब्रे मतलब वर्टिब्रल कॉलम की बात हो रही है, इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी, ठीक है. मतलब ये देखो, ये हो गया, ये आपका ट्रैकिया हो गया, ठीक है. तो ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी. थोरेसिक मतलब चेस्ट, थोरेसिक कैविटी का मतलब क्या होता है, चेस्ट वाला पोर्शन, विच डिवाइड्स एट द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, मतलब फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम अगर पीछे से अपन देखें तो फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम के आसपास वो क्या हो जाता है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड होता है. ये जो दो डिवीजन है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंकी बोलते हैं, ठीक है. अभी डायग्राम के मदद से अपन और इसको अच्छे से समझेंगे. अच्छा, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये कि आप देखो कि ट्रैकिया जो होता है उसमें कुछ रिंग लाइक अपीयरेंस आपको दिखाई देते हैं, ठीक है. ट्रैकिया में क्या होता है, कुछ रिंग लाइक अपीयरेंस आपको दिखाई देता है. तो ये रिंग लाइक अपीयरेंस है क्या, एक्चुअली जो रिंग लाइक अपीयरेंस होता है बच्चे, ये होता है कार्टिलेज की वजह से. शी सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं. किस टाइप के कार्टिलेज होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज इसमें होते हैं. इसका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. द ट्रैकिया मेंटेन्स इट्स रिजिडिटी बाय वर्च्यू ऑफ सीरीज ऑफ कार्टिलेजिनियस रिंग अरेंज्ड अलोंग इट्स लेंथ कॉल्ड अ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स. ओके, एंड व्हाट्स देयर फंक्शन, ये आपके एनसीईआरटी में भी पूछा जाता है, पूछा गया ये क्वेश्चन है. दे प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ एयर एंड ऑल्सो प्रोटेक्टेड. होता क्या बच्चे कि जब आप रेस्पायर करते हो, ठीक है, तो ये जो ट्रैकिया है ना, ये क्या होता है, एक्सटेंड होता है फिर नीचे आता है. एक्सटेंड होता है मतलब अभी इसका लेंथ इतना है, ठीक है, तो अंडर टेंशन ये क्या हो जाता है, और छोटा हो जाता है इतना, ठीक है, क्या हो गया, इतना हो गया, ठीक है, वापस से अपनी साइज अचीव करता है. ऐसा क्यों कर रहा है ये, क्योंकि जब देखिए इसकी अपनी एक डायमीटर है, जब ये एक्सटेंड होगा तो वो क्या होता है, डायमीटर इसका कम हो जाता है, जैसे कि ये, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, थोड़ा नैरो हो गया, और जब ये रिलैक्स स्टेट में आएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा वाइडर हो जाएगा. इससे
क्या फैसिलिटेशन मिलता है रेस्पिरेशन को, इससे ये मदद मिलती है रेस्पिरेशन को कि अगर आप बहुत तेज़ी से अगर रिस्पायर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एयर को अंदर एकोमोडेट करता है और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, ठीक है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर जो है उसको क्या करता है अंदर की तरफ ला सकता है और उसी दौरान बाहर की तरफ लेकर के भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि अपने साइज़ को चेंज कर सकता है एज पर दी कंडीशन। और ये क्यों चेंज कर पा रहा है ऐसा, इसलिए चेंज कर पा रहा है क्योंकि ये कार्टिलिजिनियस रिंग से बना हुआ है, ठीक है, तो ऊपर जाता है साइज में नीचे आता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही ना मेरी बात? ओके, दीज रिंग्स स्टेबलाइज द ट्रैकिया एंड कीप इट रिजिड व्हाइल अलाउइंग द ट्रैकिया टू एक्सपेंड इन लेंथ व्हेन द पर्सन ब्रीथ्स, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, ब्रीथ करने में इसको मदद मिलती है उससे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कार्टिलेजिनस रिंग ट्रैकिया के जो होते हैं वो किस चीज़ में मदद करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, हूबहू आप उन्हीं शब्दों को याद रखिएगा और समझिएगा। इसके बाद हम अपना अटेंशन आगे की तरफ बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ब्रोंकी जो है वो आगे चल के लंग्स में ट्रांसफॉर्म होता है, लेफ्ट और राइट पोर्शन जो लंग्स के होते हैं, ये जो ईच ब्रोंकी होते हैं, ठीक है, अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म दी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकी, मतलब इनका अपना डिवीजन होता जाएगा, ये आगे जाएंगे फिर इनका इधर डिवीजन होगा, फिर इनका इधर डिवीजन होगा, फिर इनका इधर डिवीजन होगा, ये और आगे जाके डिवाइड होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये था प्राइमरी ब्रोंकी, फिर सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर टर्शरी ब्रोंकी, इस तरीके से क्या होता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है, ठीक है। ये आपका चेस्ट वाला, ये आपका चेस्ट वाला पोर्शन आ गया, मेन लंग का पोर्शन आ गया यहाँ से, ठीक है, तो ये भी डिवाइड होगा इस तरीके से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इस तरीके से। ये वाला पोर्शन क्या है ट्रैकिया के बाद वाला, प्राइमरी ब्रोंकी, और उसके बाद उसके डिविजन्स क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकी, ठीक है। अब इनके बहुत थिन टर्मिनल्स होते हैं क्योंकि दे गो ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, रिपीटेड डिविजन्स होते रहते हैं, और एक पॉइंट पर हम जाके देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फाइन डिविजन इनका हो जाता है बच्चे, और बहुत जो फाइन डिविजन होता है उनको अपन बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं अपन उनको, ठीक है, परेशान मत होइएगा, अभी अपन डायग्राम देखेंगे इसका, ठीक है। ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ये फाइनेस्ट डिवीजन है इसका, बहुत ही पतले पतले ब्रांचेस जो होते हैं, ठीक है, ब्रोंकियोल्स। अच्छा, अब ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं बच्चे, इन ब्रोंकियोल्स के टिप पे हम देखते हैं कि एक वस्क्यूलराइज्ड बैग स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली, क्या बोलते हैं, एल्वियोली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। ये एयर सैक भी बोला जाता है कई बुक में, इसको एयर सैक भी लिखा जाता है, तो एयर सैक है या एल्वियोली है। तो एयर यहाँ से आ रहा है, फाइन फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होता जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी, और एंड पे हम देख रहे हैं ये किस पे आ जाता है, ब्रोंकियोल से होते हुए एल्वियोली में जाता है। और ऐसे बहुत सारे एल्वियोली होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो जिसमें एक्चुअली में क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड, ठीक है, ब्लड के साथ, मतलब बिटवीन ब्लड आई शुड नॉट से इट, ठीक है, बोलना चाहिए कि ये जो एल्वियोली है इसमें क्या है, एयर है, ये जो एयर है ये अंदर जाएगा, ऑक्सीजन कैरी करके लाया है, और ब्लड जो है वो क्या देगा इसको, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो देखो ऐसे, देखो इसको ऐसे समझो, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है, ठीक है, तो ये आ गया आपका एल्वियोली, ठीक है। अब होता क्या है कि इस एल्वियोली के पास से बच्चे लंग्स में कुछ ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज जा रहे होते हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स की फाइन डिवीजन, ब्लड कैपिलरीज जा रही होती है एकदम पास से, ठीक है, ये अटैच दिख रहा होगा बट अटैच नहीं होता, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, माइक्रोमीटर का डिफरेंस होता है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन लेकर के आया है, ठीक है, वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली ब्लड में चला जाएगा, अब ब्लड इस तरफ से जो लेके आया है वो क्या लेके आया है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जो बाय प्रोडक्ट बन रहा था बच्चे वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है। तो अब आगे का रेस्पिरेशन कैरी आउट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जो बाय प्रोडक्ट रेस्पिरेशन से बना उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो ये देखो एल्वियोलर सैक ही है, इसके पास से ब्लड कैपिलरी जा रही, ऑक्सीजन ब्लड में चला जाएगा, अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा, और जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड था वो बाहर निकल के इसके पास आ जाएगा, ठीक है, एल्वियोली सैक में चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा, ठीक है, क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, लंग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, टिश्यू की, और वो जो टिश्यू की कवरिंग होती है दो लेयर की होती है, उन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, जो स्पेस होता है, डबल लेयर्ड प्लूरा, ठीक है। और ये जो प्लूरा होता है ये फ्लूइड से फिल्ड रहता है, जिसको अपन प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लूरल फ्लूइड,
देखो ये प्लूरल फ्लूइड की क्या ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, होता क्या है कि पूरा लंग्स जो है इसके ऊपर एक लेयर है, ठीक है, डबल लेयर है, क्या होती है, डबल लेयर होती है, और उस डबल लेयर स्ट्रक्चर को अपन क्या होते हैं, प्लूरा बोलते हैं। अब ये प्लूरा में जो डबल लेयर है उसके बीच में जो फ्लूइड रहता है, जैसे कि ये दो लेयर है भैया, ऐसे समझो, ये देखो ये दो लेयर है, ठीक है, यहाँ पर आपका लंग्स है, ठीक है, लंग्स को कवर करने वाले ये दो लेयर है, एक और उसके बाद दूसरा, इसके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। अच्छा फ्लूइड का काम क्या है, आप मैकेनिक, सो ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये एग्जैक्टली कर क्या रहा है, ये प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो यहाँ पर क्या कहते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जिसके चलते जब लंग्स में जो वॉल्यूम है कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, बच्चे जैसे कि हमने इंस्पिरेशन किया, बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर को अंदर की तरफ हमने लंग्स में डाला, तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्लूरा, प्लूरल लेयर, इस पर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा, तो इसको थोड़ा लिफ्ट होना पड़ेगा, थोड़ा आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा, और मूवमेंट होगा तो वहाँ पर जहाँ कहीं भी मूवमेंट है वहाँ पर फ्रिक्शन दिखेगा, दिस इज वन लेयर बिनीथ दी अदर, ठीक है, दोनों अगल बगल ही हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है तो क्या होता है कि उसको फ्रिक्शन कम मिलता है, ठीक है, फ्रिक्शन कम मिलता है तो वो स्मूथली क्या हो सकता है, वॉल्यूम को लंग्स के चेंज करने में मदद करता है ये प्लूरल फ्लूइड। अब कई बार क्या होता है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के चलते हम देखते हैं कि कुछ जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है, उनमें कोई एक एंजाइम नहीं है, कौन सा एंजाइम नहीं है, जो ये प्लूरल फ्लूइड बनाता है, अब वो एंजाइम नहीं है प्लूरल फ्लूइड बनाने वाला, तो उनमें ये फ्लूइड ही नहीं बनता लंग्स के बीच में, तो हम देखते हैं कि उनकी सारी जो मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट है सब हो चुका है, एनाटॉमिकली सारे ऑर्गन फुली डेवलप्ड है, सब कुछ है, फुल टर्म बेबी है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, बर्थ तो उसका हो जाएगा, वो सांस भी ले पाएगा कुछ देर तक, बट हम देखेंगे कि क्या हो जाता है, प्लूरल फ्लूइड उसके लंग्स में नहीं बना होता, मतलब ये जो प्लूरल लेयर है उसके बीच में, जिसके चलते बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन मिलता है, और अल्टीमेटली हम देखेंगे कि सीवियर केसेस में कई बार वो लंग्स क्या हो जाता है, बच्चे का बर्स्ट भी हो जाता है। बहुत ही कॉमन केस है ये, मैंने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि जो फुल टर्म बेबीज और जो जो अपने फुल टर्म से पहले जिनका जन्म हो जाता है उनमें भी ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन होती है, बहुत ही कॉमन मेडिकल कंडीशन है ये, ठीक है, तो प्लूरल फ्लूइड का ये सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इंस्पिरेशन मतलब सांस अंदर की तरफ लेना और एक्सपायरेशन मतलब सांस बाहर की तरफ छोड़ना एग्जैक्टली कैसे अचीव होता है, लंग्स उसको कैसे फैसिलिटेट करते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरीड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट, और ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो आपके कुछ खास तरीके के मसल्स की मदद से होता है, जैसे कि इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के बीच में होते हैं, और डायफ्राम की मदद से होता है, है ना, दोनों की मदद से एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। ग्रेडियंट क्या है भाई, अरे वही बात जो हम ऑस्मोसिस में पढ़ते हैं, ठीक है, कि एक तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा है दूसरी तरफ कम, इसी को क्या बोलते हैं ग्रेडियंट। कई लोगों को ग्रेडियंट का मतलब अगर नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब वो ये, एक तरफ कम दूसरी तरफ ज़्यादा, ठीक है, दैट इज नोन एज ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या है, एक तरफ प्रेशर कम है दूसरी तरफ ज़्यादा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या है बच्चे, कि एक तरफ कंसंट्रेशन कम है दूसरी तरफ ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा इंस्पिरेशन मतलब सांस अंदर ली जा सकती है, कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स विच इज नोन एज इंट्रा, इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स, इसको लिख लो कहीं पर, पल्मोनरी ऊपर कॉपी में जगह होगी वहां पे लिखो पल्मोनरी और एरो लगा के लिखो लंग्स, ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना कार्डियक मतलब हार्ट, तो वैसी पल्मोनरी मतलब लंग्स, तो अंदर की तरफ जो प्रेशर है दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब लंग्स में जो प्रेशर है इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो बाहर, ठीक है, हम जहाँ पर रह रहे हैं वी आर लिविंग द पुल ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज, तो मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं वो अपना प्रेशर बना के रखते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, उसी को तो हम एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अगर उस एटमोस्फेरिक प्रेशर से लंग्स का प्रेशर जो है वो क्या है, कम है, तो क्या हो पाएगा, सांस आप अंदर ले पाएंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं एक्सपायरेशन तब होगा, वाइस वर्सा, जस्ट अपोजिट, ठीक है, एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतनी सी बात समझ में आई, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये जो प्रेशर ग्रेडियंट बना, चलो बाहर का तो प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है, सांस लेने के लिए आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो चेंज नहीं करोगे, है ना, तो अंदर का जो प्रेशर है वो चेंज किया जा सकता है, एजिस्टेंस है, तो वो एजिस्टेंस कैसे मिलता है लंग्स को, पहली चीज तो होती है इंटरकोस्टल मसल। ये इंटरकोस्टल मसल क्या होता है, देखो ये जो मैंने बना रखे यहाँ पर, ये देखो ये रिब है, ठीक है। अब आपका जो पूरा लंग्स है, जो ब्रोंकी है, ब्रोंकियोल्स है, ठीक है, पूरे जो एल्वियोलस सैक है, जो पूरा लेफ्ट और राइट सेक्शन है लंग का, वो वेल प्रोटेक्टेड है प्लूरा से, ठीक है। बट प्लूरा के बाहर भी एक स्केलेटल सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है बोन,
ठीक है, एक स्पेशलाइज बोन्स होते हैं, सेट ऑफ बोन्स जिनको अपन बोलते हैं, पूरा मिल करके जो बनाते हैं रिब केज। अब इंडिविजुअल रिब्स जो होते हैं वो इस तरीके से पैरेलली रन करते हैं एक दूसरे से, और उनके बीच में जो मसल आता है बच्चे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। रिब केज जो है वो केज जैसा होता है ना भाई, और केज के बीच में तो स्पेस होती है, वहां पर जो मसल फील होता है ना उसको इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो रिब होते हैं, हालांकि अपन स्केलेटल सिस्टम में इसको पढ़ेंगे आगे, ये जो रिब इंडिविजुअल रिब्स होते हैं ये बीच में जाकर के एक फ्लैट बोन से मिलती हैं जिसको अपन बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं इसको अपन? स्टर्नम। हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे क्योंकि अभी ये उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, है ना, समझ में आई बात। तो ये जो प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है इसमें कौन मदद कर रहा है? इंटरकोस्टल मसल मदद कर रहे हैं जो रिब के बीच में प्रेजेंट है, और डायफ्राम मदद कर रहा है, ये रहा डायफ्राम मदद कर रहा है ना। डायफ्राम मैं पहले ही बता चुका, डायफ्राम यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है, एज इट इज आप कॉपी में लिखिएगा। डायफ्राम इज अ थिन स्केलेटल मसल दैट सिट्स एट द बेस ऑफ द चेस्ट, जैसे कि ये दो लंग्स हैं आपके, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफॉर्म्ड है, ठीक है, पर चलिए डिफॉर्म लंग से ही काम चला लेते हैं, समझने की बात है, है ना। चलिए, तो डायफ्राम जो है इज अ थिन स्केलेटल मसल दैट सिट्स एट द बेस ऑफ द चेस्ट एंड सेपरेट्स द एब्डोमेन फ्रॉम द चेस्ट। एब्डोमेन मतलब, एब्डोमेन मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, जो नीचे की तरफ पेट वाला हिस्सा होता है जो रिब केज के ठीक नीचे आता है, ठीक है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स व्हेन यू इनहेल, इसको लिख लेना। ये क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट होगा और फ्लैट हो जाएगा जब आप इनहेल करेंगे, और ये जब आप एक्सहेल करेंगे तो डायफ्राम क्या होता है? रिलैक्स होता है, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स एक्सटर्नल एंड इंटर कोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर, ठीक है। अच्छा, अभी ये लाइन भूल जाओ जो मैंने बोला, ठीक है, कन्फ्यूज हो जाओगे। पहले ये देखो, ये जो डायफ्राम नीचे की तरफ है, ये क्या होगा अगर ये मान लो की बात ज्यादा डोम शेप में जाएगा, मतलब ज्यादा अगर आर्क फॉर्म में जाएगा, क्या लगता है आपको? तो ये ऊपर की तरफ लंग्स को पुश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये ऊपर की तरफ इसको पुश करेगा ना भाई, और जब ऊपर की तरफ पुश करेगा तो आपको क्या लगता है इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा ना। अरे देखो, ये डायफ्राम है, अब ये डायफ्राम क्या हो रहा है, अभी ऐसा है, अभी ऐसा कर दिया मैंने इस तरीके से, और आर्क फॉर्म में चला गया ज़्यादा, तो क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ लंग्स को पुश करेगा, और जब लंग्स को ऊपर की तरफ पुश करेगा तो लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा? छोटा हो जाएगा ना भाई, ये और छोटे हो जाएंगे आप, ठीक है, और छोटे हो जाएंगे पहले से, है ना। ये देखो, तो वॉल्यूम क्या हुआ यहाँ पर, लंग्स का डिक्रीज हो गया। अब मेरी बात सुनो, केमिस्ट्री हमको ये बताता है कि जहाँ कहीं भी वॉल्यूम जो है डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। ये छोटा सा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये एक लॉ है जो आप केमिस्ट्री में अभी पढ़ेंगे 10th में, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, वो यहीं पर लगता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। तो डायफ्राम ऐसे बेंट हुआ तो वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया बच्चे? इंक्रीज हो गया। प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मैंने डायफ्राम को ऐसे रखा, अब ऐसा कर दिया इस तरीके से, बेंट हो गया डायफ्राम बहुत ज़्यादा, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, दिख रहा है ऐसा, बट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअली सरप्राइजिंगली ये रिलैक्स्ड पोजिशन होती है डायफ्राम की, ठीक है, समझ में आ रही बात, आगे सब समझोगे धीरे से। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब देख रहे हैं हम वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, तो कौन सी प्रोसेस हो गया, अब एक्सपायरेशन, अब सांस बाहर की तरफ छोड़ी जा सकती है आसानी से, क्लियर है, समझ रहे हो, ठीक है। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप नोट्स में लिख लेंगे, तो जब उसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चेंबर, ठीक है, इन द एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन कुछ ऐसा दिखता है जो कि आपको लग रहा होगा रिलैक्स्ड है, बट ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चेंबर, ठीक है। ये क्या करेगा, थोरेसिक चेंबर के वॉल्यूम को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इन द एंटेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटेरियर और पोस्टीरियर में बता चुका हूँ पहले। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड द स्टर्नम, स्टर्नम ये यहाँ पर, ठीक है, कॉजिंग द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम, ठीक है,
तो यहां पर क्या हुआ है, वॉल्यूम जो है थोरेसिक चेंबर का क्या क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। कैसे इंक्रीज हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन से इंक्रीज हुआ है। किसके कॉन्ट्रैक्शन से इंक्रीज हुआ है बच्चे, डायफ्राम के और इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से इंक्रीज हो गया है। ठीक है, वॉल्यूम किसका, लंग्स का। थोरेसिक चेंबर मतलब जो कुछ भी चेंज थोरेसिक चेंबर में होगा, जिसमें लंग अंदर बैठा हुआ है, फिट है, तो वॉल्यूम पे मतलब लंग्स पे तो रिफ्लेक्ट होगा ही वो चेंज। ठीक है, ऑल राइट। द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, मतलब लंग्स के वॉल्यूम में। अब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मैंने क्या बोला, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन टू द लंग्स। समझ गए ना मेरी बात। और ठीक ऑपोजिट होगा जब ये रिलैक्स होगा डायफ्राम, जब क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सिमिलरली फिर क्या हो जाएगी, एक्सपायरेशन की प्रोसेस जो है वो अचीव हो जाएगी। ठीक है, अभी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम को ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, जो आपको लगता है कि डायफ्राम जो है ये देखिए ये वाला पोजीशन जो है, ऐसा लगेगा कि ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऐसा, बट ये एक्चुअली क्या है, ये रिलैक्सिंग फेस है डायग्राम डायफ्राम का। इस तरीके से डायफ्राम जो अंदर की तरफ जा करके क्या होता है, ये रिलैक्स होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो डायफ्राम है बाहर की तरफ आ रहा है ऐसा, तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ही इंस्पिरेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज हाउ द इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस। अंदर की तरफ आता है, ठीक है, इंस्पिरेशन होता है, यही बताया था मैंने, हम लोगों ने अभी वही डिस्कस किया था। ठीक है, क्या बोला था मैंने, इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, ठीक है, इज लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। मतलब यहाँ पर क्या हो जाए, प्रेशर कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाए मतलब वॉल्यूम क्या हो जाए, वॉल्यूम बढ़ जाए। तो ये बाहर की तरफ आएगा तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट होकर के ये क्या कर रहा है, वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, और रिलैक्स होकर के ये क्या कर रहा है, वॉल्यूम को कम कर रहा है। तो वर्ड पे मत जाना, ये मत सोचना कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो क्या कर रहा हो, वॉल्यूम को क्या कर रहा होगा, वॉल्यूम को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, ऐसा नहीं सोचना, वॉल्यूम को बढ़ा रहा होता है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर कम है मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इस तरीके से इसको याद रखना। अगर आपको ये क्लियर हो गया कि डायफ्राम कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है, और किस तरीके से फिर हमको जो है वॉल्यूम में चेंज ऑब्जर्व होता है, तो इसमें और कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं, क्योंकि यही सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। आई होप कोई ये जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, इसको अच्छे से आप लगे तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं, कम से कम ये तो बना ही सकते हैं, पूरा डायग्राम तो नहीं। तो ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये इस तरीके से रिलैक्सिंग फेस होता है डायफ्राम का, ये आप रिप्रेजेंट करके कॉपी में कहीं बना सकते हैं, ताकि आपको आगे समझने में आसानी होगी। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप असाइनमेंट्स जो है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, वो है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जिसके बारे में हम आपको लेक्चर दिखाएंगे, बनाएंगे उसके ऊपर। बट फिलहाल जो है, आप ये जितना मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन में, आप इसको पढ़िए। सेलुलर रेस्पिरेशन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फोटोसिंथेसिस से भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो जो टर्म्स मैंने बताए हैं ध्यान से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से नोट बनाइए, पढ़ाई करिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।